जो चलानवे नौ इस पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी का मर्जर का जो अप्रूवल मिला है उसके बाद दोनों ही शेयर में थोड़ा बहुत तेजी बनता हुआ दिखा है। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है क्यू टू का रिजल्ट आया है, क्यू टू का रिजल्ट में उतना कुछ खास जो है जंप देखने को नहीं मिला है। उसके बाद स्टॉक जो थोड़ा गिरावट बनाया, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्यू टू का रिजल्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें जो है गिरावट बनाया, फिर कुछ कंपनी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है, फिर भी स्टॉक में उतना कुछ खास तेजी बकरा देखने को नहीं मिला है। स्टॉक यहाँ से फिर से एक बार तेजी बना रहा है शेयर जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो बहुत सारे अपडेट्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो आपके साथ शेयर किया जाए। रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पी नॉइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। स्टॉक की बात है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में एक दिन में जो है 0.6% के आसपास तेजी बनता हुआ देखने को मिला है। वही एक हफ्ते के अंदर 3.8% के आसपास गिरावट दी है स्टॉक में और एक महीने में 12.1% के आसपास जो यहाँ पे गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक Q2 का रिजल्ट आया है, अभी आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर फिलहाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर को कहा जा रहा है और अंडर रेडर पे ये शेयर। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं 70 है आउट ऑफ 100 मोमेंटम, 53.80 आउट ऑफ 100 वैल्यूएशन, 50.60 आउट ऑफ 100। टेक्निकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर है यहाँ पे एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल चल रहा है। वही बात करते हैं तो सारे सारे इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, मैग्डी इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर एक बेयरिश लेवल बना रहा है। अभी यहाँ पे एक दिन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में जो लो प्राइस दिया है वो है 82.30 पैसे का और जो हाई प्राइस दिया है वो है 83.20 पैसे का, और एक हफ्ते का जो लो प्राइस दिया है वो 80.80 पैसे का और जो हाई प्राइस दिया है वो 86.90 पैसे का, और एक महीने में जो लो प्राइस दिया है वो 80.80 पैसे का, हाई प्राइस जो दिया है वो है 93.50 पैसे का। तो ये शेयर मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो शेयर ही है यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे इसका बोल सकते बीओसी रनिंग से मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो 21.6 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 49.7% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 10.7 मिलियन का है। एक हफ्ते के अंदर बीएसएनएल से मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है 37 मिलियन का है एंड डिलीवरी परसेंटेज 37.7% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 13.9 मिलियन का है। एक महीने के अंदर बीएसएनएल से मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 33 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 43.9% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 14.5 मिलियन का है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका बोल सकते हैं कि डिलीवरी वॉल्यूम है, डिलीवरी परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में। तो ये अभी यहाँ पे जो प्रमोटर्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, प्रमोटर्स के पास 39.37% के आसपास का स्टेक था और प्रमोटर्स ने जो है दोस्तों स्टेक घटाया है, 37.51% का स्टेक है प्रमोटर्स के पास अभी। FIS के पास 24.48% का स्टेक था, FIS ने जो स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, 26.06% का स्टेक कर दिया है। म्यूचुअल फंड के पास 2.68% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, 2.86% का स्टेक कर दिया है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.83% का स्टेक था और अदर इंस्टीट्यूशन ने जो स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, 7.97% का स्टेक कर दिया है। पब्लिक के पास 26.65% का स्टेक था, पब्लिक ने जो स्टेक यहाँ पे घटाया है, 25.6% के आसपास स्टेक कर दिया है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने स्टेक घटा दिया है एंड FIS जो है FIS ने स्टेक बढ़ा दिया है, अदर म्यूचुअल फंड ने जो है यहाँ पे स्टेक बढ़ा दिया है, अदर इंस्टीट्यूशंस ने स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है और पब्लिक ने जो है स्टेक यहाँ पे घटाया है। तो आप यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बोल सकते हैं कि जो Q2 का रिजल्ट आया है बोल सकते हैं कि जो है तेजी वगैरह नहीं बनाया है। यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देख सकते हैं, जहाँ पे कंपनी जो है एक क्वार्टर जो रिजल्ट है इसका अच्छा खासा बनता है, एक अच्छा खासा क्वार्टर रिजल्ट देता है। अभी यहाँ पे कंपनी देख सकते हैं कि हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.0% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अभी देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेके यहाँ पे कुछ चीजें जो देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी जो है रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट पेइंग, अच्छा खासा एक प्रॉफिट लेता है क्वार्टरली, जिसको अच्छा खासा प्रॉफिट रहता है और इसका जो मतलब फिर भी देखेंगे तो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं देता है ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर्स होल्डिंग जो हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर, जो कि 2.42% के आसपास जो है कम किया है प्रमोटर्स ने स्टेक। कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.18% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। इसका लाइबिलिटीज देखिए आप कंपनी का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 5,323 करोड़। तो अभी यहाँ पे दोस्तों इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है 2024 का, Q2 2024 का, उसमें आप देख सकते हैं जो सेल्स है
6869 करोड़ से बढ़ के 7356 करोड़ हुआ है। तो मतलब एक जबरदस्त इसका, माफ कीजिए, सेल्स नहीं, इसका जो रेवेन्यू हुआ है वो जबरदस्त यहाँ पे जम देखने को मिला है रेवेन्यू में। अभी दोस्तों बात करते हैं इसका, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इतना मतलब बोल सकते हैं अच्छा खासा रेवेन्यू हुआ है, फिर भी इसमें जो है डिविडेंड देखने को नहीं मिला है। से अभी यहाँ पे देखते हैं दोस्तों जो कि इसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देख सकते हैं 3122 करोड़ से बढ़ के 3406 करोड़ के आसपास हुआ है। अभी यहाँ पे मतलब बोल सकते कि एक्सपेंसेस जो है 4114 करोड़ से बढ़ के 4377 करोड़ हुआ है। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं जो कि 996 करोड़ से घट के 983 करोड़ हुआ है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थोड़ा गिरावट बनता हुआ देखने को मिला है। वही बात करते हैं नेट प्रॉफिट का जो है 732 करोड़ से बढ़ के 747 करोड़ हुआ है। कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो है रिजल्ट देखने को मिला है, फिर भी स्टॉक उतना कुछ तेजी नहीं बनाया है कंपनी का। यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो रिजल्ट आया है यहाँ पे Q2 का, यहाँ पे देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो है ऑपरेशन से जो इसको सेकेंड क्वार्टर में जो रेवेन्यू मिला है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो है 33.17 करोड़ का, रजिस्टरिंग ए ड्रॉप ऑफ 43% कंपेयर टू 57.94 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक साल पहले इसी पीरियड का ऑपरेशन से जो रेवेन्यू हुआ था वो था बहुत ही ज्यादा जो कि 57.94 करोड़ के आसपास था, और वो अभी घट के जो है 33.17 करोड़ हुआ है। मतलब जो इसका ऑपरेशन से रेवेन्यू हुआ है उसमें 43% के आसपास जो है गिरावट बनता हुआ देखने को मिला। एडिशनल अगर देखेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है रिकॉर्डेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 751.30 करोड़, 751.3 करोड़ इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024, व्हिच इज अप बाय 35% फ्रॉम 556 करोड़ इन द ईयर एगो पीरियड। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो बढ़ गया है, जो कि 35% बढ़ गया है, 556 करोड़ से बढ़ के 751.30 करोड़ के आसपास हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का दोस्तों यहाँ पे देख सकते जो कि एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसका नेक्स्ट नेट इंटरेस्ट इनकम जो है एनआईए जो है उसमें आप देख सकते हैं क्वार्टर में अभी जो रिजल्ट आया इसमें अंडर रिव्यू है, तो जो कि 3950.20 करोड़ के आसपास हुआ है, और इसमें भी एक जम देखने को मिला है 31.6% फ्रॉम जो कि इसके पहले था 3002.2 करोड़ का। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मतलब बोल सकते कि एक रिजल्ट अच्छा पोस्ट करता है, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं देता है, वही इसका जो पेरेंट कंपनी है जो कि इन्वेस्टर्स को बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड देता है जो कि आईडीएफसी लिमिटेड है। तो आईडीएफसी लिमिटेड में एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में अगर दोस्तों अभी कोई खरीद के रखा है, जैसे कि बीच में जो है स्टॉक के प्राइस बहुत ही जबरदस्त तेजी बनाया था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में, उसके बाद स्टॉक में गिरावट बना, तो अगर कोई शेयर मतलब किसी ने अगर ये शेयर थोड़ा ज्यादा प्राइस में खरीद के रखा है तो उनको हमें लगता है कि थोड़ा समय होल्ड करना चाहिए। जैसे ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी का मर्जर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टॉक में एक तेजी बन सकता है। और फिलहाल अगर देखेंगे तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है कुछ दिनों के अंदर इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है, और स्टॉक में अभी एक गिरावट बना और उसके बाद स्टॉक थोड़ा बहुत यहाँ पे तेजी बना रहे। अगर किसी ने शेयर नहीं लिया है तो हमें लगता है कि थोड़ा गिरावट में लेंगे तो जाके अच्छा खासा एक रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी कोई आप शेयर खरीदते हैं बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।